अस्सलाम वालेकुम। आज के हर्बल सिंगल ड्रग्स यानी हर्बल मुफरद दवा के लेक्चर में आज हम देखेंगे एक और दवाई जिसको ऊद सलीब कहते हैं। ऊद सलीब, ऊद के मानी जो है वो लकड़ी के होते हैं और सलीब जो है इस नस्बत से उसको कहा जाता है कि जब उसको तोड़ा जाता है तो उसमें से सलीब की तरह से दो खत जो है, दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, कता करती है, कट करती है। तो एक्चुअली ऊद सलीब जो है वो एक नबात की जड़ें होती है, रूट्स है, ये ऊद सलीब के नाम से जानी जाती है और हमारे सिलेबस में है। और ये जो जड़ें होती है ये मखरूती होती है, कोनिकल होती है और दोनों सिरों पर ये पतली होती है और दरमियान में कुछ मोटी होती है। मोटी जो है ये तकरीबन 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबी और मोटाई में 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। और रंगत के एतबार से देखा जाए तो ये बाहर से भूरी या सुर्खी मायल होती है और तोड़ने पर जो है ये सफ़ेद रंग की होती है। एक्चुअली ऊद सलीब को जो है उसका दूसरा जो नाम है वो फावानिया भी कहते हैं। और फावानिया की यानी ऊद सलीब की दो किस्में हैं, दो अकसाम हैं इसकी, एक नर और मादा। तो जो ऊद सलीब है उसको अगर हम तोड़ते हैं तो उसमें से दो खतूत या दो पर्दे जिसको हम कहते हैं पार्टीशन, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, काटते, कता करते हैं और एक सलीब की शक्ल बन जाती है इस जड़ में अंदरूनी तौर पर। इसलिए इस लकड़ी या इस जड़ को जो है ऊद सलीब के नाम से जाना जाता है। यही जो जड़े हैं ऊद सलीब वो दवाओं में इस्तेमाल की जाती है। जायका जो है इसका मामूली तौर पर चीरी यानी मीठा होता है, स्वीट होता है, लेकिन ये तेज़ और चरपरे जायके के साथ महसूस होता है। इसकी अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, बू होती है जब ये ताज़ा रूट होती है यानी फ्रेश रूट्स जो है उसमें अपनी एक स्मेल होती है मखसूस। तो दवाओं में जो है यही जड़ें इस्तेमाल की जाती है ऊद सलीब के नाम से। तो ये उसकी आइडेंटिटी मॉर्फोलॉजी के या माहियत के ताल्लुक से बात थी। मिजाज के ताल्लुक से जो है हम देखेंगे कि गर्म और खुश्क है दर्जे सुबह में, यानी तीसरे दर्जे में ये हॉट एंड ड्राई है, थर्ड स्टेज में। तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है लिहाजा ये सर्द और बलगमी बारिद अमराज जो है उसमें फ़ायदा करती है। बलगमी और सौदावी दोनों किस्म के बारिद अमराज में इसको इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर से ऐसे बारिद अमराज जिसमें कि आसाब यानी नर्व्स जो है, नर्वस सिस्टम जो है वो भी इन्वॉल्व होता है। और असबी और बारिद इस तरह से जो अमराज पाए जाते हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है अपनी गर्मी और खुश्की की बिना पर। तो मिजाज में जो है ये गर्म और खुश्क दर्जे सुवम में है। इसके एक्शंस के ताल्लुक से या अफाल के ताल्लुक से हम बात करेंगे, जैसे कि तुम लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, मुहल्लिल है ये, मुफत्ते है, मुहल्लिल मीन्स रिसॉल्वेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी यानी स्वेलिंग या वर्म को दूर करने वाली है, मुफत्ते है, डी ऑब्स्ट्रक्टिव है यानी फतह करती है, खोलने का काम करती है, रुकावटों को दूर करने का काम करती है। और उसके साथ साथ जो है ये मुसक्किन दिमाग व आसाब है और मुकव्वी दिमाग व आसाब है। हम कंबाइन जो है इसको मुसक्किन और मुकव्वी दिमाग व आसाब कह सकते हैं, यानी ये नरवाइन सिडेटिव है और नरवाइन टॉनिक भी है। तो पहले हम देखेंगे कि ये मुफत्ते और मुहल्लिल होने की वजह से साथ ही साथ ये मुलतिब भी है, नरमी भी पैदा करती है, लताफत पैदा करती है, रुकावटों को खोलती है और इस तरह से जो है ये वर्मों को तहलील करती है। तो इन अफाल की बिना पर जो है ये दिमाग और आसाब के सुद्धों को खोलती है, उरूक के सुद्धों को खोलती है और उसके अलावा दीगर आज़ा या ऑर्गन्स जो है आयशा के भी सुद्धों को खोलने का काम करती है और उनके वर्मों को रिसॉल्व करती है यानी उनके वर्मों को तहलील करती है। लिहाजा जो बलगमी और असबी अमराज होते हैं जहाँ पर रुकावटें और सुद्धे होते हैं वहाँ पर इसका बेहतरीन इफेक्ट होता है। तो ये जो है
वर्मों को जो कि बलगम और सौदा की वजह से वो बारीक वर्मों को तहलील करती है, और उसके अलावा वर्म जिगर को ये दूर करती है, जिगर के सुद्धों को खोलती है, और साथ ही साथ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यरकान शुद्धि जिसको कहते हैं उसमें भी ये फायदा करती है। और रुकावटों की वजह से या बलगमी और असबी इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर असबी और दिमागी अमराज पाए जाते हैं, अगर लाहक हो जाते हैं, जैसे सरा है जिसको हम एपिलेप्सी या मिर्गी कहते हैं, और उसके अलावा इख्तनाकुर रहम है, बाघोला कहते हैं, हिस्टेरिया का मर्द कहते हैं हम, तो ये भी एक साइकोन्यूरोटिक ये डिसऑर्डर है, उसमें ये फ़ायदा करती है। और उसके अलावा राशा जिसको हम ट्रैमर्स कहते हैं, कपकपाहट, असबी मर्द है, ज़्यादा बुरदत की वजह से ये पाया जाता है मर्द। और एक मर्द होता है काबूस, दम घुटना, नींद में अक्सर जो है मरीज चिल्ला कर उठता है कि कोई दम घुट रहा है उसका, तो ऐसे मर्द को काबूस कहते हैं, तो ऐसे मर्द में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। सौदावी और असबी मर्द जो है मतलब मर्द माना जाता है, काबूस में इसका इस्तेमाल मुफीद होता है। और उसके अलावा जो है वजुल मफासिल में ये फ़ायदा करता है, फालिज और लकवा में ये मुफीद होती है ये जड़ें, तो इस तरह से जो है ये कम्बाइंड एक्शन इसके होते हैं मुफत्ते, मुहल्लिल और मुलत्तिफ की हैसियत से। दाफ़ अमराज बारिदा है, बलगमी और अदबी अमराज को दूर करती है, और उसके अलावा जो है ये मुसक्किन और मुकव्वी आसाब और दिमाग है। तो अगर दिमागी हैजान है, परेशानी है, चिड़चिड़ापन है, और उसके अलावा जुनून है, मालन खुलिया है, जहाँ पर दिमाग में जो है आसाब में झुझलाहट और हैजान है, तो ऐसे अमराज में मुसक्किन और मुकव्वी दिमाग व आसाब की हैसियत से काम करती है। ज़ोफ़े आसाब, ज़ोफ़े दिमाग में इसका बेहतरीन इफ़ेक्ट जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट फेल इसका हम देखेंगे मुदरे बॉल है, मुदरे हैज़ है, तो बॉल और हैज़ का इदरार करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा इसको जो है ये नफास को जारी करती है, और उसरुल बॉल, उसर हैज़ और एहतबास बॉल हैज़ यानी हैज़ की और पेशाब की रुकावटों में, बंदिश में और उसकी तकालीफ में, उसके उसर में जो है ये फ़ायदा करती है। तो इस तरह से मुदरे बॉल हैज़ के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऊद सलीब को जाली की हैसियत से इस्तेमाल किया जाता, और जहाँ पर यह अंदरूनी इस्तेमाल से जो है मतलब जिला बख्शती है, बैरूनी तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जाली की हैसियत से ऊद सलीब जो है वो स्किन पर अप्लाई की जाती है, और स्किन डिसऑर्डर है जैसे झाई है, दाग धब्बे हैं, उनको दूर करने के लिए बतौर डिटर्जेंट या जाली इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये मुसक्किन अलम भी है, एनाल्जेसिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर से अगर आसाब के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या आसाब के शमूलियत की वजह से, आसाब की कमज़ोरी की वजह से, या फिर बलगमी मादे की या बारीद खिलतों के गलबे की वजह से अगर दर्द लाहक है बदन में, तो ऐसे दर्दों में इसका इस्तेमाल मुफीद होता है। और ये जो है आज़ा के दर्दों को भी, जैसे वर्म मैदा है, सॉरी दर्द मैदा है, दर्द जिगर है, दर्द कुलिया गुर्दों का दर्द है, और दर्द मसादा वगैरह, दर्द रहम है, इस तरह से दर्दों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल मुफीद होता है। और साथ ही साथ जो है ये फिर जोड़ों के दर्द और वर्मों को भी तहलील करती है, तो वजुल मफासिल में, निकरस में इसका इस्तेमाल मुफीद होता है। जहाँ पर ये तमाम इसके अफाल पाए जाते हैं, सबसे अच्छा जो इसका फेल है जिसको हम नफा खास के तौर पर भी देखते हैं कि ये दाफ़ सरा है, यानी मिर्गी और सरा में एपिलेप्सी में ये बेहतरीन दवा के लिहाज से इस्तेमाल होती है। और मर्ज सरा जो है उसमें इसको शरबन, तालीकन और सऊतन इस्तेमाल किया जाता है। शरबन का मतलब होता है कि इसको पिलाया खिलाया जाता है, और तालीकन यानी इसको लटकाया जाता है, इसकी जड़ों को जो है वो धागे वगैरह में पिरोकर और लटकाते हैं। और इसके अलावा जो सऊतन इस्तेमाल करते हैं सूंघने सुलगने के लिए भी, मर्ज सरा में इसका इफ़ेक्ट नज़र आता है। तो एक बेहतरीन दवाई है मर्ज सरा या मिर्गी एपिलेप्सी के लिए। तो तीनों तरीकों से इसको जो है अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मर्ज में, सरा के मर्ज में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके कुछ अफ़ाल और उनके मवाक़े इस्तेमाल थे।
खमीरे के शक्ल में इसको इस्तेमाल किया जाता है। खमीरा गौजबा अंबरी जदवार ऊद सलीब वाला मशहूर एक इसका मुरक्कब भी है जो कि मुख्तलिफ कंपनियाँ बनाती है, तो मशहूर मरकबात के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुफरत तौर पर भी इसको सफ़ूक जो है वो शहद वगैरह में चटाते हैं। मुजरत के लिहाज से नज़र से देखा जाए तो चूँकि गर्म खुश्क है, दर्ज सुवम की दवाई है और मुदिर बोल और हैज़ भी है, लिहाजा हामिला औरतों में जो है प्रेगनेंट लेडी में इसको अवॉइड करना चाहिए। इसको एहतियात से, बहुत ज़रूरत हो अगर शदीद तो एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हामिला औरतों के लिए ये मुजिर होती है, यह मुजिर हो सकती है। और गुलकंद है, गुलाब या गुलाब है रोज़ उसका, इसके मुसले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात इसकी मुजरत को दूर करने के लिए शहद को इस्तेमाल कराया जाता है। तो इस तरह से जो है ऊद सलीब मुख्तलिफ अमराज में जो इन तमाम एक्शन की बिना पर इस्तेमाल की जाती है। 1 ग्राम से 5 ग्राम तक इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसकी मिकदार है। और हम मशहूर मरकबा इसके देख चुके हैं, खमीरा गौजबा अंबरी जदवार ऊद सलीब वाला है। उसके अलावा हब्बे सरा के नाम से भी इसको जो है एक मुरक्कब गोली तैयार की जाती है जो मर्द काबूस और सरा में इख्तनाकुर रहम के लिए बेहतरीन होती है। तो ऊद सलीब जो है वो हम आज देखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट दवाई को देखेंगे।